अपने हाथों को इंटरलॉक करना है, थम्स को बाहर रखना है और अपने पूरे फोरआर्म्स को ज़मीन पे रखना है। एल्बो शोल्डर एक लाइन पे रहेगा। अपने क्राउन ऑफ द हेड को ज़मीन पे रखेंगे। ध्यान रहे कि आपका नेक आगे ना जाए, वॉल पे टच ना हो। और अपने पूरे फोरआर्म्स पर वजन देकर अपने दोनों घुटने को ऊपर उठाना है और अपने बैक को पूरा वॉल पे टच करना है। फिर एक झटके से वजन देकर अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाना है और दोनों आपके फुट को वॉल पे टच कीजिएगा। फिर अपने एक पैरों को स्ट्रेट रखेंगे, उठाएंगे ऊपर, फिर दूसरे पैरों को स्ट्रेट ऊपर उठाएंगे। उसके बाद अपने हिप्स को वॉल से दूर कीजिएगा इस तरह से। फिर अपने राइट पैर को स्ट्रेट ऊपर उठाएंगे इस तरह से। 5 से 10 सेकेंड आप होल्ड कीजिएगा। फिर उसके बाद अपने दूसरे पैर को भी आप 5 से 10 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। आप इसी पोजीशन में दोनों पैरों को भी उठा के होल्ड कर सकते हो 2 से 5 सेकेंड तक। आपका पूरा वजन आपके फोरआर्म्स पे, आपके हेड पे रहेगा। आते सब अपने हील्स को ज़मीन पे टच करेंगे, फिर हिप्स को पूरे वॉल पे टच करेंगे, फिर एक पैर फोल्ड किया, फिर दूसरे पैरों को फोल्ड किया और धीरे से अपने पैरों को लैंड करेंगे नीचे और आप शशांक आसन में चले आएंगे और कुछ सेकेंड्स के लिए रिलैक्स करेंगे।